अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। फुल गाइड मैं आपको दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जिस पीसी में जाएं और जिस ड्राइव में भी आपने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है उसे रीनेम कर लें। मैं रीनेम कर लेता हूँ अपनी विंडो को। मैंने विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी है, तो मैं विंडोज़ 7 के नाम से रीनेम कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब ये हमारा विंडोज 7 के नाम से रीनेम हो गया है। अब हमें इंस्टॉल करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डाटा क्लियर हो सकता है इंस्टॉलिंग के दौरान। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ की ISO फाइल को डाउनलोड करना है और अपनी पेन ड्राइव में उसे बूट करना है। अगर आप नहीं जानते ये कैसे कर सकते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वीडियोस देख सकते हैं कैसे हम विंडोज़ की लेटेस्ट ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और पेन ड्राइव में बूट कर सकते हैं। तो चले अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लैपटॉप को या पीसी को शट डाउन कर लें। शट डाउन करने के बाद अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करें और अपनी बूटेबल पेन ड्राइव, जैसे ही ये इसकी स्क्रीन ऑन होगी, बूटेबल पेन ड्राइव इंसर्ट कर दें, या जो आपकी CD है उसे इंसर्ट कर दें। इंसर्ट करने के बाद अपनी F12 की दबाएं। अब ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, तो दोबारा से शट डाउन कर दें। मैं शट डाउन कर रहा हूँ दोबारा से। अब शट डाउन करने के बाद दोबारा से अपने लैपटॉप को ऑन करें और अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कर दें। जैसे ही आपकी स्क्रीन ऑन होगी लैपटॉप की, तो आपको इस कोने में या इस कोने में आपको एक की लिखी हुई नज़र आएगी। इस कैप की होगी या F12, F9, F10, कोई भी हो सकती है। आप उस की को प्रेस करेंगे, फ्रीक्वेंटली प्रेस करते जाएं। आप बार बार प्रेस करें उस की को, तो हमारा इंस्टॉलेशन का सेटअप आ जाएगा। तो दोबारा से ट्राई करते हैं। हम अपने लैपटॉप को ऑन करें। ऑन करने के बाद ये देखें F12 बूट, ये मेरी ऑप्शन आई, मैंने फ्रीक्वेंटली क्लिक किया उसे और ये हमारा प्रोसेस आ गया। ये देखें, अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसे। हमने यहाँ पर CD ड्राइव, अगर आपने CD ड्राइव डाली हुई है वो आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी USB है या पेन ड्राइव है तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। ये सेकंड नंबर पर USB स्टोरेज डिवाइस लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ा सा रेजोल्यूशन लो है, एडजस्ट कर लें आप। तो अब एंटर पर प्रेस करें। सेकंड नंबर पर USB है और थर्ड नंबर पर CD/DVD है। ये मैं डेल में इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज़ 7। तो USB पर आप हाईलाइट कर लें और एंटर प्रेस कर दें। अब हमारा इंस्टॉलेशन सेटअप शुरू हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। ये देखें हमारा इंस्टॉलेशन का सेटअप शुरू हो चुका है तकरीबन। और ये देखें, अब आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है उसे सिलेक्ट करें, अपना रीजन सिलेक्ट कर लें और कीबोर्ड लेआउट सेट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दें। जो भी आपकी विंडो होगी, विंडोज 7, 8.1, 8, 10, सबका तकरीबन सेम ही सेटअप है, बस लेआउट चेंज होगा उनका। और इंस्टॉल नाउ पर अब क्लिक करते हैं हम। ये देखिए सेटअप इज स्टार्टिंग,
हमारा सेटअप शुरू हो रहा है। और ये देखें, अब हमने जो भी विंडो अपनी इंस्टॉल करनी है, विंडोज 7 होम बेसिक प्रीमियम, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल। और मैं आपको बता दूं, ये STDDAZOEM का मतलब क्या होता है। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड है, और OEM का मतलब होता है पहले से ही हमारी विंडो एक्टिवेट होगी, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और DAZ या कोई और अगर हो तो ये किसी, हम कह लें कि सॉफ्टवेयर की वजह से एक्टिवेट हो जाएगी खुद ब खुद ही हमारी विंडो। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि OEM ही आप सिलेक्ट किया करें, और 64 बिट की करें, 32 बिट अपनी विंडो इंस्टॉल ना करें, वो ज़्यादा बेटर नहीं रहती हमारे लिए। मैंने प्रोफेशनल करनी है, तो प्रोफेशनल OEM 64 बिट सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, यहाँ पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमने जिस ड्राइव में अपनी विंडो इंस्टॉल करनी थी उसे हमने विंडोज 7 का नाम दिया था, तो ये देखें यहाँ पर हमें बड़ी आसानी हो चुकी है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ड्राइव पर क्लिक करें और फॉर्मेट पर क्लिक करें, डिलीट पर क्लिक मत कीजिएगा वरना हमारा लैपटॉप का ड्राइव डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट पर क्लिक करें, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे हमने न्यूली, लैपटॉप न्यू लेने के बाद, या आपका सेकेंड हैंड है जो भी है, जो हमने खुद सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किए होंगे सिर्फ वो डिलीट होंगे। फॉर्मेट करने से विंडोज़ का डाटा जो ओरिजिनल है वो डिलीट नहीं होगा, तो फॉर्मेट पर क्लिक करें और ओके कर दें। ध्यान रखें किसी और ड्राइव को फॉर्मेट ना कीजिएगा वरना उसका डाटा क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने वो सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। ये हमारी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है, ये रियल प्रोसेस है। ये देखें, जब ये 100, ये सेकंड वाली 100% हो जाएगी तो हमारी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी कम्प्लीटली। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, ये आपके विंडोज़ की रैम, लैपटॉप की रैम पर क्लिक, सॉरी, आपकी लैपटॉप की रैम पर ये डिपेंड करता है। मेरे लैपटॉप की रैम थोड़ी स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें इंस्टॉलेशन हो रही है, 1% हो चुकी है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ वरना वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी 100% कंप्लीट हो चुकी है और इंस्टॉलिंग फीचर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, इंस्टॉलिंग अपडेट्स ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, बस इसी पर टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे। अगर आपकी 2 GB रैम है तो 20 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट भी लग सकते हैं, और अगर आपकी 4 GB रैम है तो आपको 15 मिनट लग जाते हैं। अब ये देखें, ये रिस्टार्ट होने वाला है, खुद ब खुद ही ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ये कई मरतबा भी हो सकता है आपके लैपटॉप के लिए, तो आपने परेशान नहीं होना, ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा दोबारा से। ये देखें, अब हमने कोई की प्रेस नहीं करनी, सिर्फ हमने उसे रिस्टार्ट होने देना है, खुद ब खुद ही अब विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे आएगा। अब हमने यहाँ पर विंडोज 7 कुछ भी नहीं हमने सिलेक्ट किया, पहले से ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट था विंडोज 7 जो हमने नई इंस्टॉल की है। ये देखें, ये विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन पॉपअप आ चुका है, सॉरी, लॉगिन पॉपअप। लेकिन कुछ फाइल सेटअप हो रही थी, अब इंस्टॉलिंग कंपोनेंट्स होंगे कुछ, उसके बाद हमारी विंडोज़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके विंडोज़ 10 है तो आपको
इसके बाद कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन ये देखें। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स के लिए स्टेप देने पड़ेंगे, वो आप जब विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इजी स्टेप्स हैं, मतलब कि वाईफाई आपका है तो आपने सेलेक्ट करना है, या आपकी अगर कोई दूसरी चीज़ है आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, एंटर देना है, तो वो कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछेगा, तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। विंडोज 7 में ऐसा कुछ नहीं पूछते, ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाती है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ये देखें, ये बस अब कंप्लीट होने ही वाला है। काफ़ी टाइम हो गया है इसे प्ले होते हुए। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ। ये देखें, अब ये नया पॉपअप शुरू हो चुका है, सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। अब हमारा कंप्यूटर एक मरतबा और रिस्टार्ट होगा। ये विंडोज 7 के लिए, विंडोज 10 का कुछ और थोड़ा सा होता है, मतलब कि कुछ लिखा होगा, थोड़ा सा चेंज आता है, स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज लिखी हुई आती है, लेकिन प्रोसेस यही होता है सारा, दोबारा से रीबूट होता है। और इसके बाद विंडोज 7 के लिए तो कुछ सेटिंग्स नहीं पूछता, लेकिन विंडोज 10 के लिए कुछ सेटिंग्स पूछेगा आपकी, जैसे मैंने पहले भी बताया था बेसिक सेटिंग्स, तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन विंडोज 7 खुद ब खुद ये सेट करके स्टार्ट हो जाती है। बस विंडोज 7 में पासवर्ड पूछते हैं और रीजन वगैरह पूछ लेते हैं टाइम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। और एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कि विंडोज 7 इंस्टॉल करने के बाद हमें ड्राइवर्स भी खुद इंस्टॉल करना पड़ते हैं। इंशाल्लाह मैं ड्राइवर्स इंस्टॉलिंग के पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कैसे हम इजीली ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ क्लिक करके। हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और क्लिक करेंगे तो हमारे ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगे लेटेस्ट पर, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी। देखिए सेटअप प्रिपेयर हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आपने पेन ड्राइव अपनी इरेक्ट नहीं करनी, आपने निकालनी नहीं है, वरना ये करप्ट हो सकता है। जब तक आपका विंडो बिल्कुल अच्छे तरीके से रन करना ना शुरू कर दे, आप पेन ड्राइव मत निकालें। देखिए अब सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस। और ये खुद ब खुद ही इसने रेजोल्यूशन सेट कर लिया, आप देख ही सकते हैं पहले थोड़ा रेजोल्यूशन लो था। ये देखें अब हमसे नेम पूछ रहा है, विंडोज 10 में भी ये नेम वगैरह पूछता है, तो आप जो भी नेम दे दें चाहने दे सकते हैं। मेरा डेल का लैपटॉप है तो मैं डेल लिख लेता हूँ, और ये यूज़र नेम था डेल, और कंप्यूटर का नेम आप कोई भी दे दें। मैं चैनल के नाम से दे देता हूँ PCF PC फैंडम। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें।
और यहाँ पर रीजन पूछेगा, आप जिस भी रीजन से हैं आप सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। विंडोज़ 10 में इसके बाद कुछ और हमें बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, विंडोज़ 7 में ऐसा नहीं है। ये देखें अब ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गए। और अब ये हमारी विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। ये डेस्कटॉप हमारा प्रिपेयर हो रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडो एक्टिवेट है। पहले से ही OEM सिलेक्ट करने पर ये पहले से ही एक्टिवेट हो जाती है। और ये देखें ये हमारा कुछ इंटरफेस है विंडोज़ 7 का। ये देखें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पहले से ही एक्टिवेट है। राइट क्लिक करें माय कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज़ पर जाएं, सॉरी इसे ओपन करें। विंडोज़ 10 में हम ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 7 में यहाँ पर ओपन करके राइट क्लिक करें और फिर प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। ये हमारे विंडोज़ का कुछ बेसिक सेटअप पॉपअप हो जाएगा। ये देखिए विंडोज़ 7 प्रोफेशनल सर्विस पैक 1, ये रैम वगैरह, और यहाँ पर स्क्रॉल करके कुछ नीचे लिखा होगा विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड। विंडो हमारी एक्टिवेट है। तो फ्रेंड्स ये देखें यहाँ पर हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए अलहदा से वीडियो अपलोड कर दूँगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन